जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जी सर आ रही है। चले गुड, आवाज आ रही है। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में डिस्कस किया था। आपको कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ लें। स्टैटिक डेटा मेंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि ये एक ऐसा डेटा मेंबर होता है जो कि पूरी क्लास के लिए एक ही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली अगर हम लोग डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए वो डाटा मेंबर्स सेपरेट से यूज किए जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट से उन डाटा मेंबर्स के साथ काम करता है। हर फंक्शन जो है वो सेपरेट से उन डाटा मेंबर्स के साथ काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, उस स्टूडेंट की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रोल नंबर का एक डाटा मेंबर होता है, एक नेम का डाटा मेंबर होता है। फिर हम लोगों ने गेट वैल्यूज का फंक्शन बनाया। उस गेट वैल्यूज के फंक्शन के अंदर हमने यूजर से सीन करवाया रोल नंबर और सीन करवाया नेम। हमने कहीं भी नहीं लिखा कि ये रोल नंबर और नेम जो है ये किस ऑब्जेक्ट का है। हमने जनरल लिखा सीन रोल नंबर और सीन नेम। फिर हम लोगों ने शो वैल्यूज का फंक्शन बनाया और शो वैल्यूज के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सी आउट करवाया रोल नंबर को और सी आउट करवाया अपना नेम को। हमने कहीं भी नहीं लिखा था कि ये कौन से ऑब्जेक्ट का रोल नंबर है और कौन से ऑब्जेक्ट का नेम है। तो जब हम लोगों ने मेन क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास के मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो वहां पर हमने देखा कि S1 के लिए रोल नंबर और नेम जो है वो सेपरेट से यूज हो रहे हैं। S2 के लिए नेम और रोल नंबर सेपरेट से यूज हो रहे हैं। S3 के लिए नेम और रोल नंबर सेपरेट से यूज हो रहे हैं। हमने ये बार बार करके देखा। इसी तरह डिस्टेंस वाली क्लास जो थी उसके अंदर हमने फीट और इंचेस के साथ डील किया तो आपने देखा कि सेपरेट से फीट और इंचेस जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने एम्प्लॉय की क्लास बनाई, उसके अंदर हम लोगों ने देखा सेपरेट से हम लोगों ने उसको यूज किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और टाइप का डाटा मेंबर होता है जिसको कहते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर जो है हम लोगों ने उसको पढ़ा लास्ट टाइम कि स्टैटिक मेंबर क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो स्टैटिक डाटा मेंबर से रिलेटेड आज एक प्रोग्राम जो है वो मैं चाह रहा था कि हम लोग पहली क्लास में वो करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, इसके ऊपर उसने लिखा हुआ है क्रिएट अ क्लास दैट इंक्लूड्स अ डाटा मेंबर
दैट होल्ड्स अ सीरियल नंबर फॉर ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। वो कह रहा है कि आप एक क्लास क्रिएट करें जिसके अंदर एक डाटा मेंबर होगा, तो वो हर ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर जो है उसको होल्ड करेगा। और सीरियल नंबर के बारे में हमें पता क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जो हम लोग डिफाइन कर देते हैं अपनी किसी भी पॉइंट्स के साथ, चीजों के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है जी दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विल बी नंबर 1, द सेकंड 2 एंड सो ऑन। मतलब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको नंबर 1 असाइन किया जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको नंबर 2 असाइन किया जाएगा। और ये जो नंबर्स हैं ये किस में जाएंगे, सीरियल नंबर के डाटा मेंबर में, क्योंकि उसने हमें ये यहाँ पर 3 लाइन्स के अंदर बता दिया है कि आप एक क्लास क्रिएट करें जिसके अंदर एक डाटा मेंबर होगा सीरियल नंबर के नाम का। वो आपके पास क्या करेगा, वो आपके ऑब्जेक्ट्स के सीरियल नंबर्स को होल्ड करेगा। और वो जो सीरियल नंबर्स कौन से होंगे, जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका सीरियल नंबर 1 होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका सीरियल नंबर 2 होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका सीरियल नंबर 3 होगा एंड सो ऑन। कहता है टू डू दिस यू विल नीड अनदर डाटा मेंबर दैट रिकॉर्ड्स अ काउंट ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड सो फार। कहता है ये करने के लिए आपको एक और डाटा मेंबर की जरूरत है जो कि क्या करेगा, वो आपके ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। यू विल नीड अनदर डाटा मेंबर दैट रिकॉर्ड्स अ काउंट ऑफ हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड सो फार, के इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। इनको काउंट करने के लिए एक और डाटा मेंबर की आपको जरूरत है। ब्रैकेट में उसने आपको हिंट के तौर पर बता भी दिया है, ना भी बताता तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए था कि मैंने कौन सा डाटा मेंबर यूज करना है दैट विल हेल्प अस टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स, दैट विल हेल्प अस टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स। वो डाटा मेंबर कौन सा होना चाहिए था, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि नॉर्मली जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको काउंट करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर यूज किया जाता है। लेकिन यहां उसने हिंट के तौर पे आपको बताया भी है, जरा पढ़े उस हिंट को क्या कह रहा है। वो कह रहा है दिस मेंबर शुड अप्लाई टू द क्लास एज अ होल। तो एज अ होल डाटा मेंबर जो है, एज अ होल मेंबर जो है, वो किसी क्लास के ऊपर कैसे अप्लाई किया जा सकता है हम जानते हैं। नॉट टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं। व्हाट कीवर्ड स्पेसिफाइज दिस, कौन सा कीवर्ड कहता यूज किया जाएगा उस डाटा मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए जो कि पूरी क्लास के लिए एज अ होल यूज किया जाएगा। कौन सा कीवर्ड है जी, आप बता दें। स्टैटिक, स्टैटिक का कीवर्ड है। स्टैटिक सर, वेरी गुड वेरी गुड जी, आशा ठीक है। स्टैटिक का कीवर्ड है जो कि यूज किया जाता है टू डिक्लेयर अ डाटा मेंबर दैट इज यूज्ड एज अ होल फॉर अ क्लास। कहता है देन एज ईच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट्स कंस्ट्रक्टर कैन एग्जामिन दिस काउंट मेंबर वेरिएबल टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट। कहता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर काउंट वेरिएबल को एग्जामिन करेगा, मींस के काउंट वेरिएबल को देखेगा किस पर्पस के लिए, टू डिटरमिन द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसने तो लिख दिया ना साथ डिटरमिन द अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर फॉर द ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, तो मैंने आसान लफ्जों में आपको बता दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका कंस्ट्रक्टर काउंट वेरिएबल को एग्जामिन करेगा, काउंट वेरिएबल को एग्जामिन करेगा किस पर्पस के लिए,
टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है कि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है. सो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे. क्यों? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एक, फिर सेकंड टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका मतलब है दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, काउंट इंक्रीमेंट हो गया, हो जाएगा दो. फिर जब थर्ड टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका मतलब है कि थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो जाएगा थ्री. अब वो एक ही काउंट है क्योंकि वो स्टैटिक है. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देखेंगे कि काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और दैट काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम लोग यूज करेंगे टू डिटरमिन द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि सीरियल नंबर तो सबका सेपरेट होना है ना, पहले ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर वन होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर टू होगा, तीसरे ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर थ्री होगा. सो हमें कंसंट्रेशन के साथ इस बात को देखना है कि कंस्ट्रक्टर विल एग्जामिन द काउंट मेंबर वेरिएबल to determine the appropriate serial number for the new object. अच्छा, इसके लिए वो कह रहा है कि add a member function that permits an object to report its own serial number. कहता है एक member function बनाए जो के हर ऑब्जेक्ट के सीरियल नंबर को डिस्प्ले करेगा, उसको दिखाएगा. और वो कैसे दिखाएगा उसकी एग्जांपल उसने नीचे बताई हुई है. वो कहता है देन राइट अ मेन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड क्यूरीज ईच वन अबाउट इट्स सीरियल नंबर. तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे और उसके सीरियल नंबर के बारे में वो क्यूरी करे, मतलब पूछे. और एट द एंड जो आउटपुट आनी है वो आउटपुट इस तरह आनी है, आई एम ऑब्जेक्ट नंबर वन, आई एम ऑब्जेक्ट नंबर टू, आई एम ऑब्जेक्ट नंबर थ्री. तो एक दफा मैं पूरी स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ दोबारा से, और कुछ टाइम के लिए मैं खामोश हो जाऊंगा. इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है, देन हम लोग इसका कोड लिखेंगे. कहते जी क्रिएट अ क्लास दैट इंक्लूड्स अ डाटा मेंबर दैट होल्ड्स अ सीरियल नंबर फॉर ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास. दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विल बी नंबर वन, द सेकेंड टू एंड सो ऑन. टू डू दिस यू विल नीड अनदर डाटा मेंबर दैट रिकॉर्ड्स अ काउंट ऑफ हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड सो फॉर. दिस मेंबर शुड अप्लाई टू द क्लास एज अ होल, नॉट टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स. वट कीवर्ड स्पेसिफाइज दिस? देन एज ईच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड its constructor can examine this count member variable to determine the appropriate serial number for the new object. Add a member function that permits an object to report its own serial number. Then write a main program that creates three objects and queries each one about its serial number. They should respond I am object number 2 and so on. अब मैं कुछ टाइम के लिए मीन्स के कुछ सेकंड्स के लिए या एक मिनट के लिए मैं खामोश हो रहा हूँ जी. अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे ठीक है सर समझ आ गई है, तो हम लोग नेक्स्ट इसका कोड लिखेंगे. अब आप पढ़ लें इसको शाबाश कंसंट्रेशन के साथ, पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ के आपको सुनाया था, इसका इसके बारे में समझाया था. अब आप इसको पढ़ें, देन देखते हैं कि क्या कोड लिखा इसका लिखना पड़ेगा हमें.
जी बेटा क्लियर है जी, स्टेटमेंट समझ आ गई, कोड लिखें इसका। जी सर। जी सर। चले चले गुड, अब हम टर्बो में जाते हैं। जो स्टेटमेंट जो है उसको आप, वो तो आपके सामने थी, उसको आप लोगों ने देख लिया। अब आप ऐसा करें कि जरा ना इसकी स्टेटमेंट की तस्वीर बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो तस्वीर बना लें, क्योंकि मैंने फिर टर्बो की तरफ चले जाना है, मुझे ये स्क्रीन तो नजर नहीं आनी। तो अगर कोई मुझे बात पूछनी होगी तो आपसे पूछ लूंगा, आप स्टेटमेंट देख के मुझे बता दीजिएगा। चलें जी, हम पहले तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं स्टैटिक डॉट सीपीपी के नाम से। स्टैटिक के नाम का प्रोग्राम ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है, हम इसको स्टैटिक वन के नाम से सेव कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं जो कि नॉर्मली हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा जी, अब उसने कहा जी क्लास क्रिएट अ क्लास, तो हम क्लास का नाम जो है वो टेस्ट रख लेते हैं, क्लास का नाम कैपिटल डी के साथ। हमें कह रहा था कि देयर विल बी अ डाटा मेंबर दैट होल्ड्स द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना जो क्या कहते हैं डाटा मेंबर का नाम है वो भी इसी तरह का ही रख लेते हैं, एस अंडरस्कोर नंबर रख लेते हैं सीरियल नंबर्स के लिए। फिर वो कहता था कि हमारे पास एक ऐसा डाटा मेंबर होना चाहिए दैट काउंट्स हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। तो स्टैटिक इंट काउंट नाम रख लेते हैं उसका, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर उसने कहा था कंस्ट्रक्टर विल एग्जामिन द काउंट वेरिएबल टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर, यही कहा था ना उसने। तो जी सर। यहां हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने कहा था कि इट विल एग्जामिन द काउंट वेरिएबल टू डिटरमिन द सीरियल नंबर। अब ये देखें कि मैं काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहा हूं और साथ में मैंने सीरियल नंबर इक्वल्स टू काउंट लिख दिया, इसकी क्या रीजन है? काउंट वन होगा तो सीरियल नंबर इक्वल्स टू काउंट, सीरियल नंबर में वन आ जाएगा। किसके सीरियल नंबर में वन आएगा? उस ऑब्जेक्ट के सीरियल नंबर में वन आएगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉल किया जाता है। जानते हैं ना हम ये? नहीं जानते? जानते हैं सर। वेरी गुड। अब जो काउंट का वेरिएबल है ये तो पूरी क्लास के लिए एज अ होल है। अब मैंने देखे हैं कि हमने काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, आप मुझे बताएं कि काउंट वेरिएबल को क्यों नहीं इनिशियलाइज किया हमने? बोले क्योंकि वो सेम होनी है सबके लिए। सबके लिए सेम तो होगा, तो इसको इनिशियलाइज तो करना है ना, इनिशियलाइज किए बगैर तो काम नहीं ना चलता है। क्योंकि स्टैटिक डाटा मेंबर हमने पढ़ा था, स्टैटिक डाटा मेंबर को आउट ऑफ क्लास डिफाइन किया जाता है, आया याद? इनिशियलाइज किया जाता है आउट ऑफ क्लास, इनिशियलाइज किया जाता यस सर।
क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैटिक डाटा मेंबर को आउट ऑफ क्लास इनिशियलाइज किया जाता है, तो अभी मैं आपके सामने ये करने जा रहा हूँ, इंट टेस्ट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, काउंट इक्वल्स टू जीरो। फिर हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया, उसने कहा था कि एक और मेंबर फंक्शन बनाए जो के डिस्प्ले करेगा कि मेरा सीरियल नंबर कौन सा है, या आई एम ऑब्जेक्ट नंबर वन, आई एम ऑब्जेक्ट नंबर टू एंड सो ऑन। अब वो जो बात उसने कही थी कि कंस्ट्रक्टर विल एग्जामिन द काउंट वेरिएबल टू डिटरमिन द सीरियल नंबर। आप देखें सीरियल नंबर की वैल्यू कैसे डिटरमिन हो रही है, काउंट के थ्रू डिटरमिन हो रही है। काउंट की वैल्यू क्या होगी, जब फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा काउंट की वैल्यू वन बन जाएगी, और आपके उस ऑब्जेक्ट के सीरियल नंबर में काउंट की वैल्यू वन आ जाएगी जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए काउंट की वैल्यू टू हो जाएगी और उसके सीरियल नंबर में टू चला जाएगा। डेफिनेटली अब सेकंड ऑब्जेक्ट के सीरियल नंबर में टू ही जाना चाहिए था, टू ही चला गया। थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा काउंट की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तो उस थर्ड ऑब्जेक्ट के सीरियल नंबर में काउंट की वैल्यू थ्री चले जाएगी। अब सीरियल नंबर एक ऐसा डाटा मेंबर है जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल सेपरेट से डील किया जा रहा है। ए पहले ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर सेपरेट होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर सेपरेट होगा, तीसरे ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर सेपरेट होगा, लेकिन काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, एक ही है। तो यहाँ अब हम लोग मेन प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाते हैं। इस मेन के अंदर उसने हमें कहा था कि थ्री ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करने हैं। अब तीन चार दफा तो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली थी, तो थोड़ा सा तो याद हो ही गया है कि उसने क्या क्या मांगा हमसे। तो तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जी। T1, T2 एंड T3। और फिर हम लोग T1 के लिए डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। T2 के लिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। T3 के लिए भी डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। गेट करेक्टर का फंक्शन, और ये आपका मेन बंद। पहले मैं इसको एज अ होल रन करूंगा, देन हम इसको F7 के थ्रू रन करके देखेंगे। तीन एरर्स आ रहे हैं जी। conio.h include के स्पेलिंग गलत है, इंक्लूड के स्पेलिंग हमारे पास जो है वो गलत टाइप हुआ। Ctrl F9। ये लें जी, तीन ऑब्जेक्ट बनाए थे, तीनों के लिए हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया था। जब पहले के लिए फंक्शन कॉल किया था T1.display तो उसने लिखा आई एम ऑब्जेक्ट नंबर वन, दूसरे के लिए T2.display लिखा तो उसने लिखा आई एम ऑब्जेक्ट नंबर टू, तीसरे के लिए लिखा T3.display तो उसने लिखा जी आई एम ऑब्जेक्ट नंबर थ्री। अब कोशिश करते हैं कि एक वॉच विंडो बनाते हैं। वॉच विंडो में एक तो काउंट को देखते हैं, काउंट के वेरिएबल को, T1 के सीरियल नंबर को देखते हैं, T2 के सीरियल नंबर को देखते हैं, T3 के सीरियल नंबर को देखते हैं। ये चार डाटा मेंबर जो है वो हमने देखने हैं बेसिकली कि इनमें क्या चेंज आ रही है। और साथ में यहाँ पर हम लोग आउटपुट विंडो ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग यूं कर लेते हैं। नाउ वी ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम यूजिंग F7। मेन से काम स्टार्ट हुआ, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट्स
क्रिएट हो रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कहाँ जाएगा यहाँ से, ये कहाँ मूव करेगा? कंस्ट्रक्टर। वेरी गुड, कंस्ट्रक्टर में जाएगा। तो T1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में चले गए, कंस्ट्रक्टर में जाके उसने क्या किया जी, अब वॉच विंडो में भी देखना आपने कि काउंट की वैल्यू 1 हुई और फिर T2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, फिर 3 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। और अब आप देखें जरा के नीचे वॉच विंडो में देखें कि जो सीरियल नंबर्स के वेरिएबल थे T1 का, T2 का, T3 का, उसके अंदर क्या आ गया? T1 के सीरियल नंबर में 1 आया था, T2 के सीरियल नंबर में 2 आया था, T3 के सीरियल नंबर में 3 आ गया था। देन T1 डॉट डिस्प्ले, T1 के लिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ, तो वहां से जाके उसने पहले ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर एक्सेस किया, पहले ऑब्जेक्ट के सीरियल नंबर में 1 की वैल्यू पड़ी थी तो वो आउटपुट में आ गई। T2 के लिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के सीरियल नंबर में 2 पड़ा था वो डिस्प्ले हो गया, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ, उसके सीरियल नंबर में 3 पड़ा था तो वो आ गया आपके पास। दिस इज योर गेट करेक्टर और ये आपकी आउटपुट आ गई और ये आप लोगों का फंक्शन जो है वो प्रोग्राम एंड हो गया। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो। नो सर। किसी और को बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें शाबाश। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो। सर आपने सैटरडे को जो क्लास पढ़ाई थी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड की। अच्छा जी बेटा वो कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फ्रैक्शन स्ट्रक्चर फ्रॉम एक्सरसाइज 8 इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो मेरे ख्याल से आपका स्ट्रक्चर्स वाला चैप्टर है। उस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर, उसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है कि वहां पर आपने फ्रैक्शन के नाम का स्ट्रक्चर बनाया था, अब यहां पर आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ फ्रैक्शन क्लास, फ्रैक्शन वाली क्लास बनाएं, उसके अंदर 2 डाटा मेंबर्स रखें, 1 फॉर न्यूमरेटर एंड द 1 अदर फॉर डिनोमिनेटर। मेंबर डाटा इज द फ्रैक्शंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहते हैं मेंबर फंक्शंस शुड एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म, इस फॉर्म में इनपुट लेना हमें पता है, हमें आती है इस फॉर्म में इनपुट लेना, हमने किया हुआ ये काम। याद करें जब हम लोग वो फंक्शन बना रहे थे, फंक्शन पढ़ रहे थे तो प्रोग्राम बनाया था हमने, इस फॉर्म में इनपुट ले आपके मेंबर फंक्शन और जो आउटपुट देनी है वो भी इसी फॉर्मेट में ही देनी है। फिर वो कह रहा है कि अनदर मेंबर फंक्शन शुड एड 2 फ्रैक्शन वैल्यूज, जैसे हमारे पास डिस्टेंस का, डिस्टेंस वाली एग्जांपल हमने पढ़ी, 2 डिस्टेंस ऐड हो रहे हैं। जैसे हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है इंट वाला, उसको डिस्कस किया जिसमें 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज ऐड हो रही हैं, उसी तरह ही आप लोगों के पास ये प्रोग्राम है जिसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि आपने फ्रैक्शन नाम का स्ट्रक्चर बनाना, फ्रैक्शन नाम की क्लास बनानी है, उसके अंदर 2 डाटा मेंबर्स होंगे, 1 फॉर न्यूमरेटर एंड अदर फॉर डिनोमिनेटर। फिर आप लोगों ने एक मेंबर फंक्शन बनाना है, उस मेंबर फंक्शन के अंदर आपने जो इनपुट लेनी है यूजर से वो इस फॉर्मेट में लेनी है जो कि फॉर्मेट आपको दिखाया गया है।
और आउटपुट भी इसी फॉर्मेट में ही आप लोगों ने शो करवानी है, लेकिन फंक्शन आपने एक और बनाना है जो क्या करेगा, जो दो फ्रैक्शन वैल्यूज को ऐड करेगा। वी राइट अ मेन प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू रिपीटेडली इनपुट टू फ्रैक्शंस, दैट अलाउज द यूजर टू रिपीटेडली इनपुट टू फ्रैक्शंस, कि आपने दो इनपुट लेनी है, दो फ्रैक्शंस यूजर से लेनी है, देन उनके सम को डिस्प्ले करवाना है। नाइट अ मेन प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू रिपीटेडली इनपुट टू फ्रैक्शंस, ठीक है जी, एंड देन डिस्प्लेस देयर सम। आफ्टर ईच ऑपरेशन आस्क वेदर द यूजर वांट्स टू कंटिन्यू। अच्छा, ये लास्ट जो स्टेटमेंट उसने बताई, आफ्टर ईच ऑपरेशन आस्क वेदर द यूजर वांट्स टू कंटिन्यू, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? व्हाइल लूप। जी कोई और? जी पर लूप यूज करेंगे। आफ्टर ईच ऑपरेशन आस्क वेदर द यूजर वांट्स टू कंटिन्यू, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? लूप। कौन लूप सा लूप? कौन सा लूप? डू व्हाइल लूप सर। डू व्हाइल। डू व्हाइल लूप। जी सोएब, डू व्हाइल लूप ज्यादा बेहतर नहीं है? ये डिफरेंस तो हम पढ़ के आए हुए थे अपने लूप्स के अंदर, आपको याद होना चाहिए, जब हमने कहा था कि फॉर लूप इस वक्त यूज किया जाता है, व्हाइल लूप इस वक्त यूज किया जाता है, डू व्हाइल लूप उस वक्त यूज किया जाता है। टाइम हमने पढ़ा था कि जब एक दफा ऑपरेशन हो जाए उसके बाद लूप की कंडीशन चेक होनी है, तो उसमें फिर हमारे पास डू व्हाइल लूप जो है वो यूज किया जाएगा, कि एक दफा आप ऑपरेशन कर लें और देन वो पूछे आपसे डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप उसको कहते हैं यस, तो वो आपसे सेकंड ऑपरेशन की वैल्यूज ले, और अगर आप कहते हैं नो तो वो आपको वहां से बाहर ले जाए। तो बेटा ये एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपके इन चैप्टर्स की, ये बहुत अच्छी होती हैं प्रैक्टिस के लिए। इन एक्सरसाइजेस को करें, पहले 5 क्वेश्चन आपने किए थे, अब नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लास होगी वेनसडे को, उससे पहले पहले आपने इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी करके आपने भेजना है। और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था कि आप प्रोग्राम लिख के भेजते हैं तो हमें फौरन से आइडिया हो जाता है कि भाई आपने कहाँ से लिखे हैं, खुद किए हैं या कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि नो डाउट आप लोग किसी जगह से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हेल्प तब लें जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है, रादर देन के डायरेक्टली वहीं से सारा कुछ लिख के सेंड कर दें। बेटा इसका नुकसान आप लोगों को ही होना है। आप लोग अगर इसको सिंसियरली करेंगे, खुद से करेंगे, देन आप लोगों को फायदा होगा और आप लोग जाके इस फायदे को फील करेंगे इन द फ्यूचर। तो अगर आप लोग डायरेक्टली सारा कुछ चीट करेंगे, करते करके लिखेंगे सारा कुछ, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका जो नुकसान होगा वो भी आपको एग्जाम में भी पता चल जाएगा और आपको उसमें इन द फ्यूचर भी पता चल जाएगा। सो अपने आप के साथ सिंसियर रहें, अपना काम ठीक से करें और आपका जो काम है उसको ठीक से करते जाएं, ताकि आप लोग जो है वो एट द एंड जो है ना वो अपने आप को फील करें जी कि मुझे कुछ आता है। अगर कुछ आता होगा तो आप किसी को बताएंगे, देन अगर कुछ नहीं आता होगा तो आप लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि मैं छुप जाऊं, मुझे कोई मुश्किल क्वेश्चन ना पूछ ले, ये है वो है एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट क्लास में 9 बजे आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ जो है वो पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। 9 बजे दूसरी क्लास। हाँ बजे।